पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के सभी चार ठिकानों पर करीब 60 घंटे बाद आयकर विभाग का सर्वे पूरा हुआ। विधायक और उसके करीबी के ठिकानों पर सर्वे के बाद आयकर विभाग की टीम दर्जन भर बैग में दस्तावेज भर कर ले गई। टीम के जाने के बाद ही विधायक और करीबी के परिजनों को बाहर आने की आजादी दी गई। टीमों ने विधायक छोकर के समालखा में जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बने आवास, नई अनाज मंडी स्थित कार्यालय, पैतृक गांव टिकाना और विधायक के करीबी के यहां समालखा में फाटक पार कर एक साथ रेड की। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग और ईडी की टीमों को कई बड़े फर्जीवाड़े मिले, जिसमें से सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा 100 करोड़ रुपए का है। से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के करीब 12 परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार करीब शाम 5 बजे खत्म हुई। शुक्रवार शाम 5 बजे आयकर विभाग की टीम दस्तावेज लेकर कोठी से निकली। इस छापेमारी में आयकर विभाग की टीम को कई बड़े फर्जीवाड़े मिले, जिसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा 100 करोड़ रुपए का है, जिसमें धर्म सिंह छोकर द्वारा 3 करोड़ रुपए के गहनों की इनकम टैक्स को कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें भी कई अहम फर्जी बिल उसमें दिखाए गए हैं। वहीं इस छापेमारी में बताया जा रहा है, जहां सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि एक डायरी भी आयकर विभाग के हाथ लगी है, जिसमें कई बड़े अहम फर्जीवाड़े और कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। सहयोगी मदन के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब के सीटीवी, पानीपत।